मैं आज तक नहीं समझ पाया सास को सास कहते क्यों हैं, ये शब्द किसने कॉइन किया सास। कभी इसके बारे में मैं पीएचडी वगैरह करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये सास से मेरे को याद आया, तो एक पति और उसकी अपनी पत्नी और उसकी पर्सनल सास को लेकर ये यरूशलम में घूमने को गए और यरूशलम घूम रहे थे और यरूशलम में पहुंचे तो सास को दिल का दौरा आ गया, सास मर गई। तो भाई गाड़ने वाले वहां पहुंचे तो गाड़ने वाले बोलते साहब आप इंडिया से आए हैं तो इंडिया ले जाने का खर्चा 5 लाख रुपए होगा और यहां अगर हमने दफनाव किया तो उसका खर्चा 10,000 रुपए होगा। वो बोलता 5 लाख रुपए खर्च करो। तो ये जो बंदा था ये घबरा गया, कहता है साहब मैं यहां 10,000 रुपए में काम कर रहा हूं, आप 5 लाख रुपए में इनको वापस ले जा रहे हो। कहता मैंने सुना है 2000 साल पहले आपने यहां पर किसी को गाड़ा था, वो जिंदा हो गया तीसरे साल में तीसरे दिन, मैं इनके साथ चांस नहीं लेना चाहता भले ही पैसे 5 ज्यादा लग जाए मगर काम पूरा होना चाहिए। तो जितनी सांसें हैं यहां पे आमीन बोलो, हाँ आवाज नहीं निकल रही, आमीन बोलो। बस आप क्यों बोल रहे हो, सासों को बोल रहा हूं आमीन बोलने के लिए। हालेलुया प्रभु, मजेदार बात है। और उसको मेरे को भेजा भी किसने मैं आपको बता नहीं सकता। आज सवेरे सवेरे 6 बजे संडे के दिन कोई मतलब आमीन भेजे हालेलुया भेजे वो सास वाली कहानियां भेज रहा है मुझे। आज मैं इस जोक के साथ उठाऊ मैं, वाह प्रभु का धन्यवाद है हमारी सांसें बनी रहें। मेरे को अपनी सास से बड़ा प्यार है, जब भी वो आती है भर भर के मुझे मच्छियाँ खिलाती है और मेरे को बड़ा प्यार है। तो जो भी सी फूड जो भी कुछ हम पकड़ सकते हैं मैं पकड़ लेता हूँ जाके और वो बना देती हैं, तो उनका ये हुनर है। और मैं चाहता हूँ कि सारी सांसें अपना हुनर अपने बहुओं को दिखाएं, अपने दामादों को दिखाएं, ताकि ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया फादर वी गिव यू ग्लोरी। परमेश्वर आपका आदर महिमा और जलाल हमारे बीच में बना रहे पिता, जो भी हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी आपका वचन आज हमसे बातें करना चाहता है वो बातें करें और हम आशीषित हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। पिछले हफ्ते हम अपनी डिलीवरेंस को बचाने के बारे में सुन रहे थे। तो जब छुटकारा आपका होता है तो उसका जो दूसरा स्टेप होता है वो दूसरा स्टेप होता है कि आपके अंदर से या हमारे अंदर से कोई दुष्ट आत्मा निकल चुकी है तो वो जगह खाली हो गई है, उसको पवित्र आत्मा से हमने भरना है। कितने लोग हमारे बीच में हैं जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं? सबसे पहली बात, आप बाकियों को कन्फ्यूजन क्यों है कि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए, क्यों कंफ्यूजन है? कितने लोग पवित्र आत्मा पा चुके? ओके। कितने लोग नहीं पाए? ईमानदारी से उठाओ। हाँ, आपको क्यों लगता है आपको नहीं मिला? आपको पता है वचन क्या कहता है? बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को पिता, तो अगर आप यीशु मसीह को पिता बोल रहे हैं तो आपके पास क्या है, क्या है आपके पास? बोलो मेरे पास पवित्र आत्मा। अगर मैं यीशु को पिता बोलता हूं तो मेरे पास उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स में जाते हैं, मगर अगर मैं उसको पिता बोल रहा हूं तो वो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आपको अब कॉन्फिडेंस आया कि काम बन सकता है? अब हमने दूसरे लेवल पर जाना है कि आत्मा है, अब इसके अंदर भरपूरी को कैसे लेकर आए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप दुरा माना सेखे थो रो बो शाता नहीं बोल सकते तो परमेश्वर को बुरा नहीं लग रहा है, प्लीज इसको अपने दिल में रखिए। मगर हाँ, यहां पर क्रिटिकल ना हो जाओ। क्रिटिकल मतलब हर चीज को क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो ये हमारे पास शायद ना आए। आपको मालूम है मेरे को पवित्र आत्मा कब मिली?
होली के दिन हमने उपवास रखा था, 3 दिन की उपवास प्रार्थना थी, और मैं पूरे जोश में था कि मुझे पवित्र आत्मा मिलनी मिलनी है। मतलब मैंने पानी भी नहीं पिया, और मैंने बाइबल में पढ़ा था मांगोगे तो मिलेगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन मैंने पूरा जोर लगा दिया, मतलब 72 घंटे में शायद सोया, मुश्किल से इन 3-4 दिनों में 4-5 घंटे होंगे। मैं बड़ा निराश हो गया कि यार मेरे को तो मिला नहीं, सब अन्य भाषा बोल के चल दिए, शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, मैं बड़ा निराश था। मतलब 1 हफ्ते से उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना नहीं की। 6वें दिन मैं अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर फरीदाबाद से दिल्ली जा रहा था अपने ऑफिस में, रस्ते के बीच में पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, जंगल के बीच में। एक जगह है वहाँ पे सूरजकुंड बोलते हैं उसको, तो वो एक जंगल का रास्ता है, शॉर्टकट है दिल्ली जाने का। तो मैं वहाँ से निकल रहा था, चलती हुई मोटरसाइकिल पर पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा फ्लो करने लग गई। तो आप निराश मत होइए, प्रभु करने जा रहा है, बोलिए प्रभु करने जा रहा है, आज मेरे जीवन में होने जा रहा है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि मैं परमेश्वर की सूरत और सीरत में हूं। आपने अपनी सूरत ठीक करनी होती है तो आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? शीशा। शीशा देखकर आए सब, सबके घर में शीशा है, शीशा देखते हैं। शीशे में कौन दिखता है, कौन दिखता है? हम ही दिखते हैं। अगर आप शीशे में ऐसे कर रहे हैं और आपकी जो तस्वीर है, जो आपका प्रतिबिंब है, वो ऐसे कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो है गड़बड़। इसका मतलब वो आपकी इमेज, वो मेरी इमेज। तो परमेश्वर जब आपकी ओर देखता है तो उसको मालूम है क्या नजर आता है, उसको वो नजर आता है। मेरी बात नहीं समझे आप? आप शीशे के अंदर देखते हो। पुराने नियम में जब हम बोलते हैं, जब इब्रानी में ये लिखा गया था कि परमेश्वर ने आदमी को अपनी सूरत और सीरत में बनाया, आज से करीबन 3,500-4,000 साल पहले, तब शीशे नहीं बनते थे। शीशा बड़ी ही कीमती चीज हुआ करती थी। तांबे को पीट पीट के, गला गला के, आग में जला जला के, जब तक वो आग में से होकर गुजरता नहीं था, जब तक बनाने वाला अपनी शक्ल नहीं देखता था, तब तक उसको आग में से निकालता नहीं था, तब जाके वो शीशा बनता था। शीशा आज भी वैसे ही बनता है, उसको आग में तब तक रखते हैं जब तक उसके ऊपर से सारी इंप्योरिटीज निकल नहीं जाती, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर से इंप्योरिटीज निकल जाती हैं, बनाने वाला अपने शक्ल को देखने लगता है। आप अपनी शक्ल को ठीक करने के लिए शीशा देखते हैं, मगर परमेश्वर ने जब अपनी बनाई हुई दुनिया को ठीक करना है, वो आपको देखता है। अब बताओ परमेश्वर कैसा लगता है? थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है, कभी मोटा लगता है, कभी पतला लगता है, कभी काला लगता है, क्योंकि उसकी सूरत और सीरत में। इस बात को समझे आप? जब कभी भी परमेश्वर चीजों को ठीक करना चाहता है, वो आपकी तरफ देखता है। हर बार वो उतर के नहीं आ जाता कि चलो भाई अब मैं ठीक करता हूं। उसने किसको भेजा जब इज़राइल को छुड़ाना था? ओके, उसने इज़राइल को जब सही रास्ते पे करना था, उसने अपने नबियों को भेजा, इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड। मगर परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है और आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हो, तो आप उसको कॉपी नहीं कर पाओगे या उसको एनैक्ट नहीं कर पाओगे। सुनिएगा, एक आदमी की आपकी बुलाहट क्या है? आपको आपकी बुलाहट मालूम है? बुलाहट का मतलब आपसे परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आपको बचाया है तो कुछ चाहता होगा। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है, थोड़ा सा जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको लंगर खाने नहीं दूंगा। बोलिए परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपकी बुलाहट क्या है? सेवकाई। और जो सेवकाई नहीं करते उनकी बुलाहट है ही नहीं, बाढ़ में जाओ। सबकी एक बेसिक बुलाहट है, आपको
अपने बनाने वाले को दिखाना है। आपका काम है परमेश्वर को। यीशु मसीह कहता है मैंने अपने बाप को स्वर्ग में देखा है और जो मेरा बाप स्वर्ग में करता है मैं उसको। आपका काम क्या है? यीशु मसीह को दर्शाना, टू शो क्राइस्ट, टू शो। बोलो मेरा काम क्या है? यीशु को दिखाना। अब हमारा ये जो यूथ मीटिंग में आए थे उनको मालूम है कि यीशु दाढ़ी के ऊपर कुंडी बना के लड़कियों को नहीं देखता है। वो टट्टू करके सिक्स पैक लगा के सुट्टा मारता हुआ नहीं फिरता, वो लड़कियां नहीं छेड़ता है ना, वो बिना बात के पंगे नहीं करता फिरता, बिना बात के नांगिन वांग लहराता नहीं फिरता। ये बात आपको मालूम है ना? हा ना। यीशु क्या करता है? सारी दुनिया को अपना पिता दिखाता है। यही हमारा काम है, ये हमारी बुलाहट है। हमें मालूम चल गया पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारी बुलाहट है प्रभु यीशु को दूसरों को दिखाना। सवाल क्या है? जब आपके अंदर विश्वास आया तो कैसे आया? कभी आपने सोचा विश्वास आपके अंदर आया कैसे? कैसे आया प्लीज बताइए ना, विश्वास आया कैसे? कैसे बचाए गए आप? कोई यीशु को पहचानता था, मगर कोई आया, उसने आपको वचन सुनाया, आपके दिल में आया कि यीशु है, आपने मान लिया। आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास आपके दिल का प्रोडक्ट है। आपके दिल में किसी ने विश्वास का बीज बोया, वो फल लाया। मगर प्रकाशन आपके नए मन का प्रोडक्ट है। जब वचन आपसे बातें करता है, आपका दिमाग नया हो रहा है, आप बातों को पकड़ लेते हो। कई लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ता तो हूँ, मुझे समझ नहीं आता। आप प्रार्थना करो कि आपका मन नया हो जाए। जब आपका दिमाग नया हो जाएगा, बाइबल आपसे बातें करने लगेंगी। आप प्रार्थना के, हम क्या करते हैं, तुक्के में बाइबल खोलते नहीं, प्रार्थना करके परमेश्वर खुद बताएगा, आज हबकुक खोल, आज नहूम खोल, आज मती खोल, आज खुद बताएगा, हाथ पकड़ के आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। और जब आप उसको सीखेंगे, आप आशीषित होंगे। जो प्रकाशन है मेरी जिंदगी में, मेरी बुलाहट क्या है, मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, मैं परमेश्वर के काम कैसे करूं, वो आपके नए मन का प्रोडक्ट है। आपका मन नया हो गया है, आपका माइंड, क्योंकि वचन कहता है कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से परमेश्वर की जीवती और भावती इच्छा को क्या करते जाओ, मालूम करते जाओ। सो रेवलेशन जो है वो आपके दिमाग का प्रोडक्ट है, आपके नए दिमाग का प्रोडक्ट है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ये दिल जो है ना, बड़ी उपजाऊ चीज है। आपने सुना है दिल तो बच्चा है जी। अब मुझे मालूम नहीं वो दिल गोल किसने बनाया, वो जो बनाते हैं कौन है वो आशिक, मुझे नहीं मालूम। मगर जब आप दिल की एनाटॉमी देखते हैं ना, बड़ा ही बदसूरत सा होता है, चार उसके अंदर से आर्टरीज निकली होती हैं, ऐसा ऐसा होता है, बड़ा बदसूरत दिखता है। जो तस्वीरों में दिल आता है उसके अंदर से तीर निकल जाता है, वो पता नहीं किसने बनाया, पता नहीं होगा कोई। दिल जो है वो बड़ी उपजाऊ जगह है, आपको मालूम है, जितने जवान लोग हैं वो समझेंगे। जैसे ही आपकी आंखें छोटी होती हैं, आपका दिल बड़ा हो जाता है। जैसे ही लड़की देखी, आंखें एकदम बंद, दिमाग में एक ही तस्वीर, और दिल ऐसे ऐसे धड़कने लगता है। तुम जब सामने आ जाती हो, मुझे दिल का दौरा पड़ जाता है, इसलिए सज धज के बाहर ना आया करो, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये दिल का प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल बड़ा उपजाऊ जगह है। सुनना, आप उपजाऊ जगह की एक प्रॉब्लम है, अच्छी जगह है। उपजाऊ का मतलब है आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे वो उपजने लगेगा। आपने उसके अंदर गंद डाला, गंद उपजने लगेगा। आपने उसके अंदर अच्छा बीज डाला तो अच्छा बीज भी उपजने लगेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है बोने वाला बीज बोने चला, कुछ दाने राहों पर गिरे और परंदों ने चुक लिए, कुछ दाने कांटों में गिरे
वो फूले मगर बढ़ नहीं पाए, कुछ दाने उपजाऊ ज़मीन पर गिरे और वो फलने लगे। जितने माँ बाप हैं उनको मेरी इंस्ट्रक्शन है कि अपने बच्चों से बात करो, अपने बच्चों से। अगर तुम नहीं बात करोगे तो दुनिया बात करने लगेगी। माँ बाप थक के आते हैं घर में, वो 12 घंटे की ड्यूटी, अब मैं अपने बच्चे को क्या बोलूं, वो जैसे ही कूदने लगता है हमारे हाथ में बैंत चलने लगते हैं उसके ऊपर। यही आप गलती कर रहे हो। आप अपने बच्चे के दिल में बीज नहीं बोगे तो शैतान बीज बो जाएगा, क्योंकि ये दिल बहुत उपजाऊ जगह है। बोलते रहो उनको, वचन बोलते रहो, सिखाते रहो। अच्छा बेटे आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, डैडी उस लड़के ने मुझे मारा। कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर का वचन कहता है आप क्षमा करो, परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा। कीप टॉकिंग, बोलते रहो। अपने घर में आके अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से आपका फर्ज बनता है बात करना। बहनों से बोलता हूँ, बात करो, वचन सुनाओ अपने पति को। आपका पति घर आता है उसको आज तेल मुक गया, आज वो बनिया आया था पैसे लेने, शन्नो बुआ ने नई साड़ी खरीदी है, फॉरगेट अबाउट इट। आज परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी, परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि वो हमारे जीवन में ये करने जा रहा है, ऐसे करने जा रहा है, ये बात होने जा रही है, ये बातें करने शुरुआत करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, हम पहले कंप्लेन करते हैं। आज कंप्लेन बंद, वचन सुनाना चालू। बोलो कंप्लेन बंद, वचन चालू। आप ये करके देखिए, आपकी जिंदगी में कांटे कम निकलेंगे। करके देखिए, कौन कौन करेगा, बोलिए, वचन बोलिए अपने बच्चों को, वचन बोलिए। शायद ये आहान को समझ नहीं आता मगर फिर भी बोलो, वचन असर लाएगा। आज नहीं कल लाएगा, फलेगा, अपने सीजन पे वो बड़ा होगा। बोलते जाओ, बोलते जाओ, आपका काम है बोलते जाना। आप अपनी जिंदगी में जहां पर भी देख रहे हो सूखा पड़ा है, बोलते जाओ। बिजनेसेस नहीं चल रहे, चलेंगे, क्योंकि धर्मी, वचन कहता है शेर भूखे रहेंगे मगर धर्मी जीवित रहेगा। बोलो। हम क्या कर रहे हैं, हम बात नहीं करते, हम सुनते ज्यादा हैं। मगर जहां पर हमको बोलने की जरूरत है वहां चुप रहते हैं, और जहां पर सुनने की जरूरत है वहां बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मती 16 से 19 तक हम पढ़ेंगे। और मैं यहां पर आपको कलीसिया की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। वचन यूं कहता है, अब यहां पर यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहा है, मैं कौन हूं? और बदले में पहली बार शिमोन पतरस ने सही जवाब दिया उसको। ठीक है जी, आपको मालूम है शिमोन पतरस धारीवाल से था? नहीं, ध्यान से पढ़ो, आपको पता चलेगा वो धारीवाल से था। पिंड भी पता है मुझे उसका, मैं बता नहीं रहा हूं आपको। सोलवी आयत कहती है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शिमोन योना के पुत्र, तू धन है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझे प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पे बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि शिमोन पतरस यीशु मसीह के साथ है। उसने लोगों को चंगा होते हुए देखा, उसने हजारों को खिलाते हुए देखा, मुर्दों को जीते हुए देखा, और उसके बाद यीशु शिमोन से यह सवाल पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। तो शिमोन यीशु को यूं कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। सुनिएगा, सारी दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। अगर आप ध्यान से आजकल टीवी देखेंगे तो कई सारे बाबा भी हमारी तरह दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, कई सारे कैंसर ठीक होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मगर क्या उद्धार वहां पर है? शिमोन पतरस कहता है, वो किसी भी चमत्कार को यहां पर मेंशन नहीं करता। वो यूं कहता है कि स्वर्ग में जो पिता है उसने जाहिर किया है
तू परमेश्वर का पुत्र है। हम में से किसी के ऊपर भी ये मतलब हम में से कौन यीशु मसीह को पर्सनली जानते हैं? यीशु मसीह का आधार कार्ड हमने देखा, उसका बापा कौन है? मगर जो ये वचन है, जब ये वचन पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर कन्फर्म किया, तब हमें मालूम चला हाँ वो ही प्रभु है। वरना इसको प्रूफ करने जाएंगे, जब हम मत्ती की किताब को पढ़ते हैं, मत्ती की किताब जो है वो इब्रानियों को लिखी गई है, इसको प्रूफ करना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। मत्ती ने, लूका ने बड़ी डिटेल्ड किताब लिखी है कि कैसे वो रूथ के वंश में जाता है, कैसे वो यहूदा के दाऊद के वंश में से है, मगर आज तक इब्रानियों को समझ नहीं आया यीशु है कौन। वो अभी भी यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये कंफर्म किया है, परमेश्वर जो आसमान में है उसने मुझे कंफर्म किया है। जब आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके ऊपर एक अधिकार आता है। अधिकार क्या है? जब हम इस पूरी आयत को यूनानी में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है फाटक प्रबल ना होंगे। पुराने नियम में जो नबी थे उनको चौकीदार बोला जाता था, पापा जी नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था चौकीदार, वॉचमैन। और हर फाटक दिखाता है कि आप कभी भी अपने सपनों में फाटक देखते हैं, दरवाजा देखते हैं, उसका मतलब है एक अधिकार। यीशु मसीह कहता है कि मैं पत्थरों को इकट्ठा करूंगा। यहां पर ये जो शब्द पीटर है वो पीटर नहीं है, पेट्रा है। पेट्रा का मतलब पत्थरों का एक जोड़ा, उसको इकट्ठा करूंगा और उसके ऊपर अपने चर्च को बनाऊंगा। हमारे विश्वास का पत्थर कौन है, फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह। और वो अपने जैसे पत्थरों को इकट्ठा करता है, अपने चेलों को इकट्ठा करता है, विश्वासियों को इकट्ठा करता है, और एक कलीसिया की नींव उन विश्वासियों के ऊपर रखी जाती है। तो पतरस को कहता है कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जहां पर अधोलोक के फाटक, जो अधोलोक का अथॉरिटी है चर्च के ऊपर, क्या है, कामयाब नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अधोलोक का पावर ही नहीं है कि वो चर्च के ऊपर कामयाब हो सके। मगर कैसे कई लोग चर्च में आने के बावजूद भी बॉन्डेज में हैं? सवाल नहीं है आपका कि वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक चर्च में के खिलाफ कामयाब नहीं होंगे? मेरी बातों को आप थोड़ा सुनिए। शायद ये आप बॉन्डेज से जूझ रहे हैं, आप नशे से जूझ रहे हैं, आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, कलाम इसके विपरीत में कैसे कह रहा है? आपके मन में सवाल नहीं आता? आपके मन में कैसे सवाल नहीं आता? कैसे आप सोचते नहीं है कि अगर यीशु कह रहा है कि अधोलोक के फाटक चर्च के खिलाफ कामयाब नहीं होंगे, तो मेरी जिंदगी में कैसे हो रहे, कैसे मैं अभी भी बॉन्डेज में हूं? सवाल यह है कि क्या आप चर्च का हिस्सा बन पाए हैं? क्या आप चर्च में शामिल हो पाए हैं? कुर्सी भरने का मतलब चर्च नहीं है। चर्च के मेंबरशिप फॉर्म में आपका नाम आ जाने का मतलब चर्च नहीं है। कुछ लोग चर्च से आपको मिलने आते हैं, इसका मतलब आप चर्च नहीं बन गए। चर्च क्रिस्त से शुरू होता है। क्या क्रिस्त आपके जीवन का हिस्सा बना है? जब हम दो आटों को लेकर एक साथ मिला देते हैं, आटे आटे में फर्क रह पाता है? एक बन जाता है, एक बॉडी बन जाता है। उसी आटे में से एक निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए, उसी आटे में से एक निकाल कर आप रोटी बना लीजिए, है तो सेम आटा। क्या आप यीशु के साथ एक हो पाए हैं? सवाल नंबर वन। क्योंकि जैसे ही हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं, इस वाचा के हिसाब से अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। और उसके बाद यीशु यहां पे नहीं रुकता, वो यूं कहता है जिसको तुम स्वर्ग में बांधोगे वो स्वर्ग धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जिसको तुम स्वर्ग में खोलोगे वो धरती पर, यहां पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आपको अधिकार मिलता है जैसे ही आप वचन में चलते हो, वचन को मानते हो, वचन की बातें सुनते हो, आपके ऊपर पावर आ जाता है। आपको मालूम है वचन और यीशु एक है? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या करने लगा? तो वचन और यीशु अलग है क्या? वचन और यीशु एक है। हम कैसे यीशु को मान लेते और वचन को छोड़ देते? आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है आपकी? यीशु मेरा प्रभु है मगर करनी मैंने अपने दिल की है, क्योंकि दिल तो
दिल तो हम एक है, वचन और ईशु दोनों एक है। बोलिए, वचन और ईशु एक है। और अगर आप ईशु में एक होना चाहते हैं तो आपको वचन को भी मानना पड़ेगा और ईशु को भी। आपके दिल की नहीं सुन सकते आप, आपके दिल को वचन की सुननी पड़ेगी। सिस्टम समझ रहे, गड़बड़ कहां हो रहा है? पास्टर जी मेरा मन ही नहीं मानता, मन करता है मैं मेरे मजनू के बाइक के पीछे घूमूं और घूमती रहूं, पेट्रोल ही ना मुके कभी। दिल तो कंट्रोल पाओ जी, कंट्रोल। वचन लगाम है, क्योंकि अगर बाइक पे भी चलोगे तो 60 से ऊपर नहीं जा सकते, 80 तक पहुंचे गिर जाओगे, चोट लगेगी, 60 बज जानी है तनु, जे फिर 60 बज गई तो अथरू आने हैं, और जब परमेश्वर के बिना अथरू आएंगे तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। दिल तो, मगर मैं जवानों से बात कर रहा था कि जब मैं बच्चों की तरह था तो मैं बच्चों जैसी बातें करता था, मगर अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं सयानों सी बातें करता हूं, न्यानों सी नहीं। अब मेरा दिल बच्चा नहीं रहा जी, मच्योर हो गया है, मर्द बन गया। मर्द मुंह के दाढ़ी रखने से मर्द नहीं बनता, दिल रखने से मर्द बनता है। ठीक है जी, इसके लिए यूथ मीटिंग में आपको आना चाहिए था, मगर आगे हम इस बात को समझेंगे कि चर्च के पास एक पावर है। जैसे ही चर्च वचन में चलता है, वचन आपको अधिकार देता है, और अधिकार क्या है कि चर्च, ये जो अधोलोक के फाटक है वो मेरे खिलाफ प्रबल नहीं होंगे, फाटक गायब नहीं होंगे, फाटक रहेंगे मगर वो प्रबल नहीं होंगे। आप कई बार चर्च में आते हैं, एक आदमी आत्मा में झूम रहा है, ऐसे उसके ऊपर पवित्र आत्मा काम कर रही, चार हंस रहे हैं क्यों? एक के ऊपर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है आत्मा को, बाकी चार तमाशा देखने आए हैं। और कुछ उनमें से होते हैं हम नहीं करेंगे, स्लेन भी हो रहे होते ना, हम नहीं स्लेन होंगे, गिरा के दिखाए। एक मैं बंगाल में गया अभी, तो वहां पे एक अविश्वासी मेरे पास आया, सब लोग स्लेन हो रहे थे वहां पर, अविश्वासी आना ऐसे खड़ा था, वो ऐसे अटेंशन, तो स्लेन नहीं हुआ, और मेरी आदत है नहीं मैं धक्का दुक्का दूं, ठीक है। अरसला एलिशा बहुत अच्छा खेलती है स्लेनिंग, आप कभी देखना, बाल वाल पकड़ के नीचे गिरा देती है, होगी प्रार्थना, ठीक है जी। तो वो आदमी आया और कहता, जिसने उनको मीटिंग में बुलाया था, कि तुम्हारा पास्टर मुझे गिरा नहीं सका। वो फिर आया, पास्टर जी वो गिरा नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूं? 5 मिनट के बाद मैंने देखा वो अंदर, मतलब हम घर के बाहर मीटिंग कर रहे थे, वो घर के अंदर लेटा हुआ और 45 मिनट तक नहीं उठा। मैंने कहा अब उठाओ जाके उसको, कम से कम खाना। कहते मेरे घर शरीर से गर्मी निकल रही है। मैंने कहा गिरा नहीं तो अब गर्मी कहाँ से निकल रही है, लेटे रहने दो उसको। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हम दुनिया को भी देख रहे हैं और परमेश्वर को भी। फॉरगेट अबाउट इट, आप गेट के बाहर दुनिया को छोड़ के आओ। ये बात हम अगले हफ्ते करेंगे कि हम दुनिया में होते हुए भी दुनिया के कैसे नहीं हैं। गेट के बाहर आप छोड़ के आओ उसको, मगर यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारा दिल परमेश्वर को ढूंढने वाला हो जाए, और जैसे ही हमारा दिल वचन में चलता है, परमेश्वर को ढूंढता है, नरक के फाटक हमारे खिलाफ प्रबल होंगे नहीं। आपको अधिकार मिलता है, जिसको आप बांधोगे वो बंध जाएगा, जिसको आप खोलोगे वो खुल जाएगा। बांधना किस किस को है बोलो, बांधना किस किस को है? नशे को बांधिए, जादू टोने को बांधिए, शैतान के कामों को बांधिए, कब्रों के कामों को बांधिए। खोलना किस किस को है? जो गरीबी की आपके आजू बाजू चेन बंधी हुई है, जो उधार का चेन आपको बंधा हुआ है, जो डिप्रेशन आपको आ रहा है, जो ओप्रेशन आपको आ रहा है, उसको खोलिए। वचन आपके सामने है, वचन आपके सामने, ये अधिकार आपके हैं अगर आप परमेश्वर में एक होकर चलते हैं तो। तकलीफ क्या होती है, हम दुनिया में भी चलते हैं, परमेश्वर में भी चलते हैं, वो जो चलने वाला है नहीं, ये तो परमेश्वर में चलेंगे आपके पास अधिकार रहेगा। दूसरा, मती 6:23 कहता है, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। जब मती ये इब्रानियों को लिख रहा था द किंगडम ऑफ गॉड, तो किंगडम ऑफ गॉड, राज्य परमेश्वर का, क्योंकि वहां पर इब्रानी लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते,
तो क्या राज्य और राजा को अलग किया जा सकता है? राज्य और राजा कभी अलग नहीं किए जा सकते। अपने घर को आप क्या बोलोगे? आप जब अपने घर में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? किसका घर है वो? मेरा घर है। ये तो नहीं बोलोगे कि वो ईंट है, कुछ दरवाजे हैं, थोड़ा सीमेंट है, मेरा घर नहीं है। मगर जैसे ही आप अपने घर में जाते हैं आप उसको अपना घर बोलते हैं, ठीक है? जैसे ही आप उसको चर्च में जाते हैं उसको बोलते हैं मेरा चर्च है। उसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य भी और परमेश्वर भी एक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स परमेश्वर के हैं वही उसके राज्य में फ्लो करते हैं। सुनिए, आपको मालूम है कि जो अमेरिका का एम्बेसडर है उसको इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब भारत की पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी जिनीवा कन्वेंशन के अंडर, कि जो भारत के कानून है वो अमेरिकन काउंसुलेट पे लागू नहीं होते। उसी प्रकार से दुनिया के कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि मैं उसके धर्म की खोज कर रहा हूं, उसके राज्य की खोज कर रहा हूं। जब मैं उसके राज्य के अंदर चला जाता हूं तो जो कानून उसके राज्य के हैं वो मेरे ऊपर लागू होते हैं, बाहर के नहीं। इज़राइल, तेरे विरोध में जादू टोना काम नहीं करेगा। कोई बाबा तेरे रास्ते को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके। समझ नहीं आ रही? सारे सो गए। पास्टर जी, जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, क्योंकि मैं आज आपको फ्री होना सिखा रहा हूं। ये पिछले 2-3 हफ्ते से आपको मालूम है मैं 40 दिन से रोजा रख के बैठा हूं, आज 40वां दिन है, ताकि आप फ्री हो जाएं। आप फ्री होंगे, चर्च ग्रो करेगा। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, मगर मैं आपको बता रहा हूं, मेरी हालत ही ऐसे नहीं हुई है। आप ग्रो करेंगे, किंगडम आएगा, किंगडम फैलेगा। किंगडम क्या है? आप हैं, आप हैं। यीशु मसीह अंतियोक में नहीं गया, यीशु मसीह तसलोनिकियों में नहीं गया, गलातियों में नहीं गया, रोमन्स में नहीं गया। कौन गया? उसके चेले। तो राज्य किसका है? चर्च किसकी एस्टैब्लिश हुई? समझे नहीं आप? उसी प्रकार से जहां जहां पर भी आप जाओगे, मेरी प्रार्थना इन 40 दिन में यही है कि परमेश्वर का राज्य आपके जरिए से काम करे। किंगडम है, मैं अपना राज्य नहीं चाहता, मैं चाहता हूं परमेश्वर का राज्य आपके जरिए से काम करे। बात समझ रहे हैं? इसमें फर्क है। सी की फर्स्ट परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें क्या है? अधिकार आपको मिलेगा, पावर आपको मिलेगा। आप बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आप दुष्टात्माओं को हटाओगे, वो हट जाएंगे। कितने बाबाओं को सिद्धि करनी पड़ती है, अघोर करना पड़ता है, भक्षण करना पड़ता है, तब उनके पास ये पावर आती है। आपको वैसे ही मिल रहा है। क्या करने पे? विश्वास करना। क्या है? किसी पास 100 रुपए का नोट है? नहीं है, निकालो ना। अमीर आदमी हमारे पास राहुल, चल 10 का ही दे दे भी है। ये क्या है? अरे क्या है बताओ ना, आपको कैसे पता? क्योंकि लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बीच में से फाड़ दूं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्यों? क्योंकि ये यही 100 का नोट अगर मैं अमेरिका में जाऊं तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, पैसे की बात आपको फटाक से समझ आती है। दुनिया में रहकर दुनिया की करेंसी को आप डील करना चाहते हो स्वर्गीय करेंसी में, तो काम बनना नहीं है। जहां पे आप जा रहे हो वहां की करेंसी में डील करो। यीशु कहता है अगर तेरे दिल में राई बराबर भी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। इसने लत मार के लाख रोके आपके पीछे आना ही आना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कूड़ा ये। मगर जैसे ही हम उसकी राज्य की खोज करते हैं ना, इसको पीछे आना ही पड़ेगा, इसको नाचना ही पड़ेगा मेरे कहने पे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जब आवाज देकर बुलाता है जाति जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। ये हमारी पावर है। फड़,
सुनिए आगे, दूसरा चीज, किंगडम ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड अलग नहीं है। परमेश्वर का वचन जहां भी बोला जाता है उसका राज्य वहां पे स्थापित हो जाता है। इसीलिए अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने काम की जगह पर वचन क्या करो। मगर हम तो चुगलियां करेंगे जी। दो लड़के मिल गए, वो देखिए काली वाली तेरी भाभी, गोरी वाली मेरी भाभी। लड़कियां मिल गई, वो वहां पे सेल लगी है। वचन कहाँ है? मैं सेल से भी इंटरेस्टेड हूँ, सेल आपको करनी चाहिए, सेल की बातें करो। जहाँ पे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं जरूर जाओ, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं जरूर जाओ, मेरे लिए भी लेके आना। दुकान आपको पता है, देख तेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मगर वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो, कीप स्पीकिंग द वर्ड, कलाम बोलते रहो जितना भी आपको आता है। आपको यूहन्ना 3:16 आता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगी बल्कि अनंत जीवन पाए। वो भी वचन है, बोलते जाओ, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा वो भी। बोलते जाओ, वचन बोलो, फालतू की बातें ना बोलो। उसके बाद जो दूसरी चीज है, अगर आप चर्च हैं तो चर्च बिना वर्शिप के नहीं बनता, मालूम है? और वर्शिप कैसे होती है, वर्शिप कैसे होती है? ढोल बजाने से नहीं। क्या समझाया था? वर्शिप कैसे होती है? गीत गाने से। होसना है। वर्शिप कैसे होती है? वर्शिप होती है रूह और सच्चाई से, और दूसरी चीज वेदी पे कुछ लिटाने से। सबको आग चाहिए मगर वेदी पे वो कुछ लिटाना नहीं चाहते। आज प्रभु की वेदी पर क्या देकर जाना चाहते हो? आग चाहिए ना, पेंतिकूस की आग चाहिए, तो लिटाओ कुछ। सुनिए, वर्शिप क्या है? अब्राहम और इसाक, आप जब जेनेसिस 22:5 को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा होता है, अब्राहम इसाक और अब्राहम का एक नौकर है, वो कहते हैं, वो जा रहे हैं। आप देखेंगे अब्राहम अपने नौकर को बोलता है तू गधियों के साथ रहे, मैं मेरा बेटा कुछ दूर पर जाकर आराधना कर कर लौट आएंगे। और आराधना वो कैसे कर रहा था? अपने बेटे को ही आराधना की जगह के, ना उसके पास कोई गिटार था, ना वो गीत गाने वाला व्यक्ति था, मगर वो कुछ चीज़ों को परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहा था। आप वर्शिप करना चाहते हैं, बलिदान करना सीखिए। और जहाँ कहीं पर भी बलिदान होता है परमेश्वर की आग वहाँ पर उतरती है। आज आप क्या चर्च में छोड़कर जाना चाहते हैं? पैसा आप अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। अपना घमंड दे के जाओ, अपना गुस्सा दे के जाओ, अपना झूठ दे के जाओ, अपनी लालच दे के जाओ। लिखो एक एक चिट पे कि मैं आज यहाँ पर उसको छोड़ के जा रहा हूँ। कई चर्चों में मुझे समझ नहीं आता, वो खुले दे दो जी, अगली हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, दान नहीं है वापस ले लो, दान डाल के उसमें से निकालो मत। जो दे दिया सो, जो भी आज आप चिट, एक चिट बनाइए जो भी आप अपनी बातों को छोड़ना चाह रहे हैं, और यहां पर उसको डाल के जाइएगा और उसको वापस नहीं उठाना। वर्शिप वो है, आग आएगी जब आप कुछ चीजों को वेदी पर लिटाओगे। उसके आगे सैक्रिफाइस प्रोड्यूसेस फायर। तीसरी चीज, यूहन्ना 16 उसका 7-14, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, आपने देखा एक गया और एक, एक जाता है और एक आता है। एलिया को जब उठाए जाते हुए देखा, एलिशा एलिया के पीछे पीछे घूमता रहा, सालों तक उसके जूते उठाता रहा, उसकी सेवा टहल करता रहा, मगर एलिया कहता है जब तक तू मुझे उठाए जाते हुए ना देखे तब तक तू दुगना मस्सा। लोगों को लगता है एलिशा ने पैसे की सेवा की, नहीं साहब, उसने मस्से की सेवा की। और जब उसने मस्से को उठाए जाते हुए देखा तब उसके ऊपर कितना आया? दुगना आया। जब कभी भी चीजें उठती हुई दिखेंगी आपको तब परमेश्वर नीचे कुछ भेज रहा है। याकूब ने देखा, जिसको उसने बेथेल कहा,
वहाँ पर स्वर्गदूत उठते थे और नीचे उतरते थे। जब भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वो ऊपर जाती हैं और आशीष लेके। तो जब कभी भी आपको स्वर्गदूत उठते बैठते दिखे तो इसका मतलब जवाब जा रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। सुनिएगा, उसके बाद यीशु मसीह यूं कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वह तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुमसे उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। क्या करेगा? पास्टर जी की। पास्टर जी ने प्रार्थना की और सब चंगे हो गए। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। आपने देखा ऐसा कहीं होते हुए? अकाल आ जा गया कहीं पे। मैन वर्शिप इज नॉट फ्रॉम बाइबल। जहां आदमी को सर पे चढ़ा लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आदमी को जूते से मारो, आदमी का आदर करो, मगर परमेश्वर की जगह पवित्र आत्मा क्या कहता है? आपने कभी भी पौलुस को ऐसा गवाही लेते हुए सुना, मुर्दे जिंदा हो गए? क्या पौलुस ने यह बोला कि मैंने किया है? कहां सो गए आप लोग? तो फिर आप ये वाले वीडियोस कैसे देखते हो? आपको हजम कैसे होती है? हजम कैसे होती है आपको कि कोई मेरे परमेश्वर की ग्लोरी ले रहा है और आप हजम कर लेते हो इन बातों को? उन मिनिस्ट्रीज में जाके बैठते हो, कोई मेरे परमेश्वर की ग्लोरी ले रहा है जिसने मेरे लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया, जिसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, जिसने मेरे को, मतलब मैं मर रहा था मेरी जगह वो मर गया, और कोई मेरे परमेश्वर की जगह ले सकता है? ऐसा कौन है जो मेरे प्रभु की जगह ले सकता है? कौन है मेरे प्रभु की जगह लेने वाला? मेरा खून खौल उठता है ऐसी आवाजों को सुनने के बाद। इनसे पूछना, जब भी टेढ़े मेढ़े गाने चलते हैं मैं वहां से भाग के आता हूं, नीचे बंद कराऊं, जबकि मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा, मगर मेरी स्पिरिट में मुझे लग रहा है कोई चीज सही नहीं हो रही। कुछ गानों को सुन के मेरा, मैं जानता भी नहीं मेरा उन्होंने क्या लिया है, मेरी कौन सी खेत में उसने अपना भैंस छोड़ा है, मेरा कोई फर्क नहीं है, मगर मेरी स्पिरिट में मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। मेरी रूह के अंदर मैं पीसफुल नहीं रह पाता हूं, क्योंकि कोई मेरी प्रभु की जगह कैसे ले सकता है? मेरे प्रभु के जैसा कौन है? आप बता दो पूरे दुनिया में प्रभु यीशु के मसीह के जैसा एक दिखा दो, मैं आज सेवकाई छोड़ दूंगा। एक नहीं है पूरी दुनिया में। और हमारे को समझ ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूं डू नॉट रिस्पेक्ट द एनॉइंटेड ऑफ गॉड। वचन कहता है अभिषिक्त का आदर करो, अभिषिक्त को हम यही सिखा रहे थे, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे का आदर करो, मगर परमेश्वर की जगह किसी को मत दो। सुनिएगा, वचन क्या कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा। होली स्पिरिट हमेशा परमेश्वर की महिमा करता है। जिस चर्च में परमेश्वर की महिमा नहीं होती वो चर्च चर्च नहीं है, बाजार है। किसी को तो समझ आई बात? कोई तो आमीन कहे। हालेलुया। चलो कुछ दीवाने सही भी हैं धारीवाल में। परमेश्वर के दीवाने बनो, अपने आप को प्रभु में ढूंढो, खो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस ढूंढ के आ जाएंगे। सुनिएगा आगे वचन क्या कहता है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। यह है चर्च फ्लो। हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत ऊपर लेकर जाते हैं, पवित्र आत्मा जवाब के साथ हमारे पास उतरता है। यह है फ्लो। जब आपका टाइम आएगा, आपकी फिक्स डिपॉजिट मच्योर जरूर होगी। अगर आप 10% सोच रहे हो, उसकी जगह 20% परमेश्वर देता है। प्रभु ने किसी का उधार नहीं रखा,
जितने लोग बांट जो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, जिल्लत झेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं डबल मान आने वाला उनके पास। प्रभु के लिए, अपने घमंड के लिए नहीं, अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं, प्रभु डबल करने वाला है। सुनिएगा, पोर्टल्स खुलता है। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह जब 40वें दिन उठा लिए गए, उन्होंने कहा कि आप एक कमरे में बैठ जाओ यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम में क्या था? खतरा। ढूंढ रहे थे वो यीशु के चेले कौन है। 120 एक कमरे में बैठे हुए, फर्ज कीजिए ये कमरा है, उसके अंदर 120 दिन रात बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं। आपको दम चाहिए। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी नहीं, 120 एक कमरे में बैठे हैं, सबके सब वायदे के हिसाब से डटे हुए हैं। डर लग रहा होगा क्या उनको? लग रहा होगा जी, अभी नॉक हुआ, दातरकड़ दातरकड़, पुलिस बुला, पुलिस भी उनके विरोध में। 120 एक कमरे में, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं भेज रहा हूं, मैं भेज रहा हूं, ए उधर नहीं जाना। जैसे ही पास्टर ने उधर देखा, उधर उतौड़े। मैं अभी कुछ इंटरव्यूज करने वाला हूं अगले हफ्ते में, मैं करूंगा, मैं लिख रहा हूं इन इंटरव्यूज को कि क्राइसिस टू क्राइस्ट, पहले कैसे क्रिस्त में थे, फिर शैतान ने भुला फिसला के बाहर बुला लिया। क्यों? हमारे सबके लिए वो एग्जाम्पल होना चाहिए कि हम परमेश्वर से बाहर ना जाए। जो मैं अगर एक दिन प्रभु ने मेरे को कहा कि एक फलां जगह पर नहीं जाना, कुछ लोग वहां पे मीटिंग कराना चाह रहे थे, कहते पास्टर जी ऑफरिंग भी भेज दी हमने। मैंने कहा मैं ऑफरिंग आपको वापस डाल रहा हूं, 3 दिन पहले की बात है। हो सकता है प्रभु वापस ऑफरिंग भी आ गई, अब तो चल ले, कर गाड़ी लोड, क्या जाता है। मैंने कहा साहब मैं वहां नहीं आ रहा, मैं आपकी ऑफरिंग वापस भेज रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को साफ कहा है वहां नहीं जाना। नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम मुझे सोने की थाली में दे दो। 3 दिन पहले की बात है, शायद थर्सडे की बात है। हालेलुया, हो गया स्पीकर का जुगाड़, प्रेज गॉड, प्रभु आप ही ने भेजा है, वो भी मीटिंग, होली मीटिंग, इकट्ठा करो सबको भाई, चलेंगे मीटिंग पे। नहीं, वापस ले पैसे, मुझे नहीं चाहिए। जो प्रभु ने मना किया मैं वहां देखूंगा भी नहीं। समझ में आई बात? ये है ओबेइंग। आपको क्या लगता है, यूहन्ना बत्तिस्मा देने वाले की औकात थी यीशु को बत्तिस्मा देने के लिए? यीशु मसीह को देखकर वो कहता है, वो है परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के गुनाह उठाता है, कि मैं तेरे जूते के फीते खोलने लायक भी नहीं, मैं तुझे बत्तिस्मा दूंगा। यीशु मसीह कहता है जो लिखा है उसको पूरा कर। यीशु मसीह ने अपने वचन को पूरा किया, हम्बल हुआ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कैसे हम्बल हुआ? वचन को, वचन को माना, खाली सुना नहीं, क्या किया, क्या किया? जितने लोग पवित्र आत्मा का बत्तिस्मा चाहते हैं, वचन माने। आमेन। दूसरा चीज, आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा आने से पहले क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मैं चाहता हूं मती 4 खोलिए और उसका एक, सारे जन एक साथ मिलकर मेरे लिए पढ़िएगा। मती 4 उसकी पहली लाइन पढ़िएगा, क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। क्या ले गया? ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। तब कौन उसको जंगल में ले गया? शैतान। क्या लिखा है, क्या लिखा है? अंग्रेजी की बाइबल बड़ा वाला एस लिखा है, मतलब होली स्पिरिट। तब आत्मा जंगल में ले गया। पाजी जदो ताड़े ते पवित्र आत्मा आनी होती है, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे लाइक आपको लड़कियों के आने लगते हैं। जब आपके ऊपर परमेश्वर अभिषेक करने जाने वाला है या करने वाला है, उस समय सबसे भारी गड़बड़ आपकी लाइफ में होती है। उथल पुथल हो जाता है सिस्टम, सारे लड़के आपके पीछे दीवाने हो जाते हैं, सारी लड़कियां आपके पीछे, मतलब खाली आप ही हैं।
सब कुछ सारा एक पूरा सिस्टम आपके पीछे लग जाता है। चर्च में क्यों जाना, नौकरी कर ले, चल चलिए अमेरिका। आत्मा सुनो, मैं अपनी गाड़ी की चाबी यूं ही किसी के हाथ में नहीं दे देता। पूछो क्यों? क्योंकि वो मुझे, मैंने अपने पैसे से खरीदी है। नंबर टू, मैं उसका जिम्मेदार हूं। नंबर थ्री, अगर किसी ओंगे पोंगे के हाथ में दे दी तो उसने किसी पे चढ़ा के खुद भी मर जाना है, मुझे भी फंसा देना है और रास्ते में किसी और को मार देना है। तो आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा छोटी सी चीज़ है, हर गधे घोड़े के हाथ में? चर्च ने उसको बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि उनकी दुकानें इस पे चलती हैं। यीशु मसीह जिसको पवित्र आत्मा ने मरियम की कोख में रखा था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिरजा गया, उसको पवित्र आत्मा का बत्तिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के हाथ से बत्तिस्मा लेना पड़ा और 40 दिन और 40 रात वो टेम्प्ट होता रहा, टेम्प्ट होता रहा। बिना टेम्प्टेशन के अनॉइंटिंग नहीं आती जी। जब आप टेम्प्टेशन पे जीतेंगे, अभिषेक आपका है। हालेलुया। पास्टर जी कोई ऐसे प्रार्थना करो जी, मेरा मन हट जाए शराब में से। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। चिट्टे को तूने हराना है, क्या बोल के? वचन बोल के। शराब को तूने हराना है, क्या बोल के? वचन बोल के। व्यभिचार को तूने हराना है, क्या बोल के? वचन बोल के। मगर कुछ लोग तो बह जाते हैं, जो बह जाते उनको नहीं मिलता। टेम्पटेशन आएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि टेम्पटेशन, हर लेवल क्रॉस करने जाएंगे। आज आपने सोचना है कि हम 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं, आपको वो टेम्पटेशन क्रॉस करना पड़ेगा। 2 घंटे और सो लेता हूं और थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, 3 दिन हिमाचल में चला जाता हूं, धंधा कौन करेगा भाई? सेवकाई आसान नहीं है। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं घुटने पे होता हूँ, जब सब उठे होते हैं मैं अपने बच्चे को प्रार्थना करके स्कूल भेजता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके काम करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलने भी जाता हूँ, फिर मैं फास्टिंग भी करता हूँ। सवेरे 4 बजे से लेकर शाम के 11:30 बजे तक मैं काम कर रहा होता हूँ। क्यों? नोट के लिए। नोट मैं वैसे भी बड़े कमा सकता हूँ, मगर जो नोट मैं कमा रहा हूँ वो मेरी 7 पुश्तों तक चलेंगे। मुझे मालूम है एक ऐसा समय आने वाला है जब ये वाले नोट आपके काम नहीं आएंगे, जब परमेश्वर का कलाम काम आएगा, जब हम गुफाओं में छुपके हालेलुया होजाना गा रहे होंगे, तब परमेश्वर आसमान से मन्ना खोल के वापस हमें खिलाएगा। मैं उस दिन की तैयारी कर रहा हूँ। शायद आपको समझ नहीं आ रहा, आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है इसीलिए कि वो उन दिनों में खड़ा करेगा जब लोग अपनी गर्दन बचा रहे होंगे। जितने पापा जियों को आप देखते हो वो अपनी गर्दन बचा रहे होंगे, परमेश्वर तुमको छाती खोल के प्रचार करवाएगा। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो दीवाने हैं, और एक ऐसी फौज खड़ी होने वाली है। मसीहत बड़ा ही खतरनाक चीज है, उसमें से निकलो तो आप आग के फर्नेस में निकल आओगे। तरीका आएगा आपको निकलने का तो सोना बन जाओगे, अगर फर्नेस के बीच में ही रहे तो झुलस जाओगे। और दुनिया में पता है शद्रक मिशेद और अबिदनेगो को 7 गुना भट्टी तेज कराने के बाद डाला। शद्रक मिशेद और अबिदनेगो को कोई नहीं दिखा भट्टी में, मगर नबूकदनेज़र ने, जिन्होंने उसको भट्टी में डाला, उसने कहा 4th आदमी है वहां पे जो परमेश्वर का पुत्र दिखाई पड़ता है। जब आप भट्टियों में से होकर गुजरते हैं, जब आप टेम्पटेशंस में से होकर गुजरते हैं, ट्रायल्स में से होकर गुजरते हैं, शायद आपको कोई नजर नहीं आता, मगर आपके पीछे कोई खड़ा है। उसका कलाम कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो मुश्किलें आ रही हैं, जो टेम्पटेशंस आ रहे हैं कि विश्वास को छोड़ दे, गलत कर, इसको फाइट करिए, क्योंकि अभिषेक यहीं से शुरू होता है। कोई तो कहे मेरी बात समझ में आई। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आप में से बहुत लोगों को अभिषिक्त करने जा रहा है।